बालवीर अनन्या से मिलने उसके घर आता है, तो घर में वह देखता है कि अनन्या मर चुकी है। थोड़ी ही देर में उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अनन्या की मौत कैसे हुई। अनन्या के मौत का राज पता करने के लिए बालवीर सीआईडी को कॉल करता है। सीआईडी वहाँ पहुँच जाती है और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो सीआईडी को अनन्या के डेड बॉडी के पास एक कागज मिलता है जहाँ अनन्या ने खूनी का नाम लिखा है। सीआईडी उसे देख के समझ जाती है कि अनन्या का खून उसके घर आए इन सभी फ्रेंड्स में से किसी एक ने ही किया है। लेकिन कैसे, सीआईडी को कैसे पता चला? तो दोस्तों, क्या आप इस कागज को ध्यान से देख के बता सकते हो कि इनमें से अनन्या का खूनी कौन है? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कागज को घुमा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि अनन्या ने यहाँ विवान का नाम लिखा हुआ है। इसी को देख के सीआईडी समझ जाती है कि अनन्या का खूनी विवान ही है। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। मेहर की शादी बालवीर से तय हो जाती है। तब बालवीर मेहर के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने जाता है। मेहर अपने लिए एक शादी का जोड़ा खरीदती है, तभी उसे वहाँ डिजाइनर सैंडल भी दिखाई देती है। मेहर उसे भी खरीद लेती है और अपने घर आ जाती है। मेहर अपने रूम में वह शादी का जोड़ा और वह सैंडल रख देती है। मेहर के घर में शादी के मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। मेहर शादी के लिए तैयार होने अपने रूम में जाती है। शादी का जोड़ा पहन के मेहर तैयार हो जाती है और फिर वह अपने सैंडल पहनने के लिए देखती है, तो वह देखती है कि उसके सैंडल वहाँ नहीं है। मेहर घर आए सभी मेहमानों से पूछताछ करती है कि आप लोगों में से मेरे सैंडल किसी ने देखे है क्या? तो अनन्या कहती है, नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। फिर दया बताती है, नहीं, मैंने तुम्हारे डिजाइनर सैंडल नहीं देखे। फिर आखिर में मस्ती परी कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारे सैंडल तुम्हारे रूम में ही रखे हुए देखे थे। मेहर सभी की बातें ध्यान से सुनती है और तुरंत समझ जाती है कि उसके सैंडल किसने चुराए हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी की बातें ध्यान से सुन के बता सकते हो कि मेहर के सैंडल किसने चुराए हैं? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो मेहर के सैंडल और किसी ने नहीं बल्कि दया ने चुराए हैं, क्योंकि दया को कैसे पता चला कि मेहर की डिजाइनर सैंडल थी? इसी से मेहर समझ जाती है कि दया ने ही उसके सैंडल चुराए हैं। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों, इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन मूर्ख है, बाल परी या फिर बालवीर? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि आप यह ध्यान से देखोगे तो यह फैन शुरू है और बच्चा उस शुरू फैन में हाथ डाल रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और दूसरी तरफ बाल परी बच्चे को टेरेस से धक्का दे रही है, जो कि वो भी बहुत डेंजरस है। इसलिए यह दोनों ही मूर्ख है। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। बालवीर का बर्थडे रहता है। बालवीर अपने बर्थडे पार्टी में अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। बालवीर के सभी फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। बालवीर सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बालवीर और उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं।
कुछ देर बाद वह सभी पार्टी मनाने के लिए एक क्लब में जा ही रहे थे कि क्लब का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि तुम सब अंदर नहीं जा सकते। बालवीर कहता है, क्यों आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम सभी छोटे हो इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। बालवीर कहता है, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ठीक है मैं तुम सभी को अंदर जाने दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी। बालवीर और उसके फ्रेंड्स इस बात के लिए मान जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें एक इमेज दिखाता है और कहता है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ यहाँ टोटल कितने खुले हुए ताले हैं। वह सभी सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि यहाँ टोटल कितने खुले हुए ताले हैं? दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, यहाँ टोटल तीन खुले हुए ताले हैं। पहला वाला यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ है और तीसरा वाला यहाँ है। बालवीर और उसके फ्रेंड्स यह पहेली बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ बालवीर किससे शादी करेगा, अनन्या से या फिर मेहर से? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बालवीर यहाँ अनन्या से शादी करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेहर के मांग में सिंदूर है, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, वह ऑलरेडी ही शादीशुदा है। तो बालवीर उससे शादी कैसे कर सकता है, इसलिए बालवीर अनन्या से ही शादी करेगा। तो दोस्तों इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इन दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी फैमिली भूत है, जेठालाल वाली फैमिली या फिर बालवीर वाली फैमिली? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जेठालाल वाली फैमिली भूत है, क्योंकि जेठालाल और दया का रिफ्लेक्शन मिरर में गलत आ रहा है। जहाँ जेठालाल के रिफ्लेक्शन की जगह दया का रिफ्लेक्शन आ रहा है, वही दया के रिफ्लेक्शन की जगह जेठालाल का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए यहाँ जेठालाल वाली फैमिली भूत है। तो दोस्तों यह तो हुई मेरी राय, लेकिन इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।